अगर 18th नंबर क्वेश्चन देखें, 18th नंबर क्वेश्चन में हम लोगों से क्या कहा जा रहा है, इसके द रीजन कॉमन टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16 एंड पैराबोला एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6y। अब देखना इस सर्कल का मेरे पास सेंटर कितना हो जाएगा 0.0 और रेडियस कितना हो जाएगा 4। उम्मीद है ये आपको निकालने आता होगा सेंटर और रेडियस। अच्छा अब हम लोग इसका कर्व स्केच करते हैं, तो मेरे पास सर्कल कुछ ऐसा हो जाएगा और पैराबोला कुछ ऐसा हो जाएगा, मतलब आपको ये वाला एरिया फाइंड करना है। अच्छा ये वाला एरिया फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम लोग इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालते हैं दोनों कर्व का। तो अगर मैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू 6y यहां पुट करता हूं तो यहां कितना हो जाएगा 6y प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16। तो वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 16 इक्वल टू 0, तो यहां से कितना हो गया वाई स्क्वायर प्लस 8y माइनस 2y माइनस 16 इक्वल टू 0। तो y प्लस 8 और y माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहां से मेरे पास देखना y इक्वल टू माइनस 8 और y इक्वल टू 2 दो वैल्यू आती है, लेकिन y इक्वल टू माइनस 8 तो रिजेक्ट हो जाएगा। अच्छा ऐसा क्यों? क्योंकि देखना इन दोनों पॉइंट के लिए हमेशा y एक्सिस तो हमेशा पॉजिटिव ही है ना, हमेशा y एक्सिस पॉजिटिव ही है इन दोनों पॉइंट के लिए, तो y इक्वल टू माइनस 8 होने का सवाल ही नहीं होता। तो y इक्वल टू 2 होगा। अब y इक्वल टू 2 में किसी भी इक्वेशन में पुट करके देख लेता हूं, मैं इसी में पुट करता हूं, तो x स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरे पास 12 हो जाएगा। तो x कितना हो जाएगा मेरे पास प्लस माइनस 2√3 हो जाएगा, मतलब ये तो मेरे पास 2√3,0 होगा और ये मेरे पास माइनस 2√3,0 होगा। ठीक है, अब मुझे अगर ये वाला एरिया फाइंड करना है तो मैं क्या करता हूं, ये पूरा एरिया फाइंड करता हूं, ये पूरा एरिया फाइंड करता हूं, उसमें से ये वाला एरिया घटा देता हूं। ठीक है, ये वाला एरिया घटा देता हूं। अब इस पूरे एरिया को फाइंड करने के लिए मुझे इस सर्कल के इक्वेशन को इंटीग्रेट करना पड़ेगा माइनस 2√3 से लेकर 2√3 तक, और फिर मुझे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा इस पैराबोला को इंटीग्रेट करके माइनस 2√3 से लेकर 2√3 तक। अच्छा तो कर लेते हैं, देखना सबसे पहले सर्कल के लिए वाई निकालते हैं, तो वाई कितना हो जाएगा मेरे पास 16 माइनस एक्स स्क्वायर और बाहर अंडर रूट, और यहां वाई कितना हो जाएगा मेरे पास एक्स स्क्वायर बाय 6। तो मेरे पास एरिया कितना हो जाएगा माइनस 2√3 से लेकर 2√3 तक, और यहाँ कितना 16 माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस में कितना एक्स स्क्वायर बाय 6। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसको जरा और सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, यहाँ हो जाएगा माइनस 2√3, यहाँ 2√3 और यहाँ कितना हो गया मेरे पास 4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर बाय 6। ठीक है, अब आगे देखना। अब हम लोगों को पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है। स्टैंडर्ड रिजल्ट क्या होता है, एक्स बाई 2 अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए। ठीक है, तो यही पुट करते हैं कि यहां कितना हो जाएगा माइनस 2√3। ठीक है, और इसको अगर मैं इंटीग्रेट कर देता हूं अलग अलग, यहां कितना हो जाएगा 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और यहां इंटीग्रेशन माइनस 2√3 से लेकर 2√3 और यहां एक्स स्क्वायर बाय 6। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा मेरे पास देखना एक्स बाई 2 अंडर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर यानी कि 16 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 यानी कि 16 बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए है 4। ठीक है, कहां से कहां तक, माइनस 2√3 से लेकर 2√3 तक, और माइनस में कितना हो जाएगा यहां पे एक्स क्यूब बाई 6 × 3 माइनस 2√3 से लेकर 2√3 तक। अब इसको जरा अगले पेज में सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, अब अगर अपन पुट करें तो यहां कितना हो जाएगा मेरे पास देखना 2√3/2 यहां पे कितना हो जाएगा मेरे पास 16 और माइनस 12 प्लस में कितना 8 साइन इनवर्स यहां कितना 2√3/4। ठीक है, और माइनस में कितना यहां हो जाएगा मेरे पास देखना माइनस 2√3/2 यहां पे कितना अंडर रूट में 16 माइनस 12 प्लस में 8 साइन इनवर्स यहां देखना माइनस 2√3/4। ठीक है, तो ये मेरे पास एक हो गया। अब देखना माइनस यहां कितना हो जाएगा 2√3³ और बाय में 18 माइनस माइनस 2√3³ और बाय में 18। ठीक है, तो अब अगर अपन आगे सॉल्व करें तो इससे तो ये कट ही जाएगा 2 से 2 और यहां कितना हो गया √3 × √4 और प्लस में 8 साइन इनवर्स √3/2 और यहां भी कितना हो गया मेरे पास देखना इससे ये कट जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास √3 × √4 और यहां भी ये माइनस बाहर आ जाएगा और यहां माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस में कितना साइन इनवर्स 8 साइन इनवर्स और यहां कितना हो जाएगा मेरे पास √3/2। ठीक है, अब देखना यहां पे, यहां देखना 2√3 का स्क्वायर कितना होता है, लिख लेता हूं मैं 2³ × √3/18 और यहां प्लस में कितना 2³ × √3/18। ठीक है, अच्छा यहां प्लस क्यों हुआ, क्योंकि इसका जो क्यूब आएगा वो नेगेटिव के साथ आएगा और यहां भी नेगेटिव, इसलिए नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। अब देखना ये हो जाएगा मेरे पास 2 × √3 प्लस 2 × 8 × sin inverse √3/2 π/3 होता है। ठीक है, माइनस यहां देखना यहां कितना हो जाएगा मेरे पास 8 × √3/18 और ये दो बार है इसलिए × 2 तो ये 9 यहां 3। ठीक है, यहां कितना होगा मेरे पास 8√3/3 और यहां देखना 4√3 और यहां कितना हो गया मेरे पास 16 π/3 तो ये मेरे पास फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है,
लेकिन जरा इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ कितना हो जाएगा मेरे पास देखना, 12 रूट 3 माइनस 8 रूट 3 बाई में 3 और प्लस में 16 पाई बाई 3, तो ये कितना हो गया मेरे पास 4 रूट 3 बाई 3 प्लस 16 पाई बाई 3, यानी कि 4 रूट 3 प्लस 16 पाई बाई 3, तो ये मेरे पास फाइनली आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का।